दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि भाजपा सरकार यूपी में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में जेएनयू में 8 महिलाओं ने, 8 छात्राओं ने एक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर फाइल किया, ये कहते हुए कि ये हमारे टीचर हैं लेकिन हमको सेक्सुअली हैरेस करते हैं और हमारे लिए पढ़ाई लिखाई करना संभव नहीं है। हम लैब में सेक्सुअल हैरेसमेंट मोलेस्टेशन फेस करने के कॉस्ट में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। और एक लड़की ने कहा कि मैं लैब छोड़ रही हूँ। लेकिन अतुल शौहरी जिसके ऊपर ये एफआईआर फाइल हुआ, वो आज भी जेएनयू के अंदर सीना चौड़ा करके घूमता है। और वो 8 लड़कियां जो देश के अलग अलग जगह से आई हुई पढ़ाई लिखाई करने, वो लैब नहीं जा पाती क्योंकि लैब में उनका मोलेस्टर बैठा हुआ है। और जेएनयू का वाइस चांसलर जो आरएसएस द्वारा अपॉइंटेड है, दिल्ली पुलिस जो भाजपा सरकार के डिक्टेशन पे चलती है, उसे अतुल जौहरी को कहा है कि बहुत बढ़िया काम किए हो, इसीलिए हम लोग सरकार में आए हैं। यही मनुष्य नीति का एजेंडा, सीना चौड़ा करके बनो, जेएनयू में घूमो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची आसिफा का बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद जब बलात्कारियों को गिरफ्तार करने का, उनके ऊपर चार्जशीट दायर करने का बारी आता है, तब पता चलता है कि बलात्कार किसने किया और बलात्कार किसको किया गया। उसका धर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म के हिसाब से हम बलात्कार करने को जस्टिफाई करेंगे, हम बलात्कारी के पक्ष में खड़े होंगे। 8 साल की बच्ची आसिफा बकरवाल कम्युनिटी से है, नाम सुन के समझ में आता है उसका धर्म क्या है। और क्योंकि नाम सुन के समझ में आता है उसका धर्म क्या है, इसलिए उसके ऊपर बलात्कार तो होनी चाहिए, इस देश की सरकार जताना चाहती है। इस देश की सरकार जताना चाहती है, हम सरकार में आए हैं और यही होगा। आसिफा का बलात्कार होगा और बलात्कारियों के पक्ष में कैबिनेट मिनिस्टर्स खड़े होंगे। चार्जशीट अगर कोर्ट में फाइल होने के लिए पुलिस जाएगा तो बार एसोसिएशन के लोग वो चार्जशीट फाइल नहीं होने देंगे, वो बीजेपी के और कांग्रेस के लोग होंगे जो चार्जशीट फाइल करने से रोकेंगे और ये इस देश में खुलेआम होगा। कश्मीर में जब आसिफा के बलात्कारियों को सजा दिलवाने का बारी आया, जब ये मामला सामने आया, जब प्रोटेस्ट हुआ, तब आप देखिए बलात्कारियों के पक्ष में भारत का तिरंगा झंडा लेके ये लोग मार्च में निकलते हैं। और आज हम लोग इस प्रोटेस्ट से बोलने आए हैं, मेरा नाम सुचेता है, हाँ मेरा एक राजनीति है लेकिन मेरा नाम सुचेता है, मैं दिल्ली से। बाकी सारे कॉम्रेड उनका धर्म मैं नहीं पूछूंगी। बाकी सारे साथियों के बिहाफ पे आज यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हिम्मत मत करना उस तिरंगे को हाथ लगाने का जब बलात्कारियों को तुमको डिफेंड करना है। तुम कश्मीर के जनता के गद्दार हो, तुम उन्नाव के जनता के गद्दार हो, तुम यूपी के जनता के गद्दार हो, तुम भारत का गद्दार हो। तुम उस तिरंगे को हाथ मत लगाना बलात्कारी को डिफेंड करने के लिए। तुम बलात्कारियों का सरकार हो, तुम इस देश के संविधान को हटा के मनुस्मृति लाना चाहते हो, जहां पे एक आसिफा का बलात्कार हो कि सर पे पत्थर मार के उसको मार दिया जाएगा। उन्नाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार होगा और अगर भाजपा के एमएलए होगा तो सीना चौड़ा करके घूमेगा। तिरंगा को तुम हाथ मत लगाना, तुम बोलो कि तुम बलात्कारियों का सरकार और वो बोल के तुम नेक्स्ट बार वोट मांगना। सीना चौड़ा करके बोलो, होर्डिंग लगाओ कि सबको बचाएंगे, अतुल जौहरी को बचाएंगे, आसिफा के बलात्कारियों को बचाएंगे, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाएंगे और यही हमारा एजेंडा है। अगर हिम्मत है तो ये बोल के आओ, ये बोल के चुनाव लड़ने के लिए। आज हम यहां से बोलने के लिए आए हैं कि आप जान जाइए मोदी जी, हम औरतें किसी कम्युनिटी के हम प्रॉपर्टी नहीं है, किसी कम्युनिटी के किसी कौम की अमानत नहीं है। कि आसिफा का धर्म देखेंगे और उन्नाव के समय धर्म देखना भूल जाएंगे। औरत के साथ बलात्कार होगा तो उसके खिलाफ भारत की जनता न्याय मांगेगी। बलात्कारी के पक्ष में खड़े होगे तो हिंदू एकता मंच बना लो, चाहे कुछ बना लो, हिंदू भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा, भारत के एक एक जनता तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा।
आज हम यहां से बोलने के लिए आए हैं कि हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये योगी सरकार को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का एमएलए है, उन्नाव में उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, माइनर के साथ वो बलात्कार करता है और सर्वाइवर के पापा को, पिताजी को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दिया जाता है। कहां है आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? कहां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहां है ये सर? आज हम पूछने आए हैं कि योगी सरकार को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? ये लोग सिर्फ इस देश के महिलाओं के गद्दार नहीं है, ये लोग इस देश के जनता के गद्दार हैं। और दोस्तों, जैसे कि इससे पहले साथी ने कहा, कॉमरेड ने कहा कि आज ये प्रोटेस्ट शुरुआत भी नहीं है, आज हम लोग कहने आए हैं कि उन्ना और कठुआ को तुम अलग अलग करके दिखाना चाहते हो, लेकिन ये जान जाओ कि हमको पता है उन्ना और कठुआ में जो बलात्कार के आरोपी को तुम बचा रहे हो, इन दोनों के खिलाफ, सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ आज हम सॉलिडरिटी में है। उन्नाव को और कठुआ को तुम अलग नहीं कर पाओगे, धर्म के राजनीति से तुम बलात्कार को डिफेंड नहीं कर पाओगे, तुम इस देश के संविधान को मनुस्मृति से रिप्लेस नहीं कर पाओगे और ये लड़ाई चलेगा। आज हम सड़कों पे उतरे हैं, कुछ दिनों बाद नॉर्थ इंडिया 9 AM का प्रोटेस्ट होगा, देश भर में ये प्रोटेस्ट होगा और हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारा सरकार टिका रहता है। हमारी मांग है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, कठुआ में जो बलात्कारी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दिया जाए, अतुल सोहरी जो जेएनयू के अंदर खुला घूम रहा है, जिसके ऊपर आर का एफआईआर है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये कहने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और आने वाले दिनों में हमारा ये प्रोटेस्ट चलेगा। शुक्रिया निकला।